अकेला कहाँ है वो, पूरी बिहार की जनता उनके साथ है और हमारे क्षेत्र के कलाकार है, बिहार के शेर हैं वो और बिहार के राजा हैं और वो जीतेंगे, हमारी विश्वास है, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है उसी के पास पूरी साम्राज्य होती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा समर्थन जहाँ तक कि जहाँ कलाकारी की बात आती है और वो आदमी कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बहुत बड़ा किया है, तो हमेशा उनके साथ हमारी संवेदना भी रहेगी, हमारी सहयोग भी रहेगा, हमारा हमेशा सम्मान भी उनके लिए रहेगा और सहयोग हर चीज़ रहेगा। बिहार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है और किसी पार्टी के भरोसे कमज़ोर लोग आते हैं, हमारा बिहार का शेर आदमी है वो अकेला ही राजा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ, रोड शो होगा, हेलीकॉप्टर शो होगा, दुनिया का जो भी शो होगा सारा हो जाएगा। पवन सिंह के समर्थन में आए खेसारी लाल यादव बोले, शेर अकेले मैदान में है, किसी के सहारे की उसे जरूरत नहीं। दरअसल खेसारी लाल यादव किसी काम के सिलसिले में पटना आए हुए हैं, तभी उनसे पत्रकारों ने सवाल किया और वो सवाल क्या था और खेसारी का जवाब क्या था, आइए जानते हैं। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट इस बार काफी हॉट सीट मानी जा रही है। इस साल काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह भी चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अब भोजपुरी सिनेमा के एक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी पवन सिंह के समर्थन में आ गए हैं। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के समर्थन में अपनी बात रखते हुए कहा कि शेर अकेले मैदान में है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि राजनीति दल का सहारा वही लोग लेते हैं जो कमजोर होते हैं, पवन सिंह को किसी दल की जरूरत नहीं है। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित करने के सवाल पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह शेर हैं और वो अकेले चुनाव जीत जाएंगे। पवन सिंह के समर्थन में मैं भी काराकाट जाऊंगा, रोड शो से लेकर हेलीकॉप्टर शो सभी करूंगा। बता दें कि बिहार के काराकाट सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हैं। पवन सिंह निर्दलीय मैदान में हैं, वहीं एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। पवन सिंह के समर्थन में भोजपुरी के कई बड़े कलाकार लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने कहा कि कलाकार का रोज लहर होता है। पवन सिंह के अकेले चुनाव लड़ने पर खेसारी ने कहा कि पूरे बिहार की जनता उनके साथ है और वो बिहार के शेर हैं, बिहार के राजा हैं, वो जीतेंगे, खेसारी का पूरा समर्थन है। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि जहां कलाकार की बात आती है, पवन सिंह ने भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा और सम्मान भी रहेगा। बीजेपी पार्टी से निकाले जाने पर खेसारी ने कहा कि कलाकार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है, किसी पार्टी की वजह से नहीं बल्कि वो खुद अकेले ही जीत जाएंगे, क्योंकि वो बिहार के शेर हैं, वो अकेले ही सबके लिए काफी हैं। खेसारी ने कहा कि भोजपुरी भाषा में हम सब एक ही हैं, चुनाव के माहौल में कुछ लोगों ने बदलने की कोशिश की है लेकिन भाषा कभी नहीं बदलती, बोलने वाले आप और हम ही हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह अकेले नहीं है, पूरा समाज उनके साथ है, पूरा बिहार उनके साथ है, भाषा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। पवन सिंह बिहार का बेटा, नेता और बेटा में फर्क होता है और बिल्कुल पवन सिंह को जीतना है। पवन सिंह बिहार के नेता नहीं, बिहार के बेटा बनने आए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार में जाने पर खेसारी ने कहा कि उनका अपना सम्मान है लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन कमजोर पड़ेगा ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पवन सिंह को जीतना है ये तय है। आपको बता दें कि खेसारी के पवन सिंह के सपोर्ट में आने से जो यादव समाज है वो कहीं ना कहीं खेसारी से नाराज है, क्योंकि पहले के वीडियोज में खेसारी ने कहा था कि वो कभी यादवों का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजपूत का साथ दे रहे हैं और यादव जाति के उम्मीदवारों को छोड़ दिए हैं, उस पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं और उनके विपक्ष में निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के साथ खड़े हुए हैं। इसी वजह से यादव समाज उनसे नाराज है। अब ये नाराजगी किस हद तक रुख करती है ये देखने वाली बात होगी। वेल, आपकी इस वीडियो पर, खेसारी लाल यादव की बातों पर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कीजिए और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।